दिल में बहुत कुछ बाकी, शिकवे खुदा से काफी, शायद वो लूटा मुझसे के सजदों में भी मिले ना माफी। दिल का दरिया बह ही गया, मुश्किल से मैं समझ रहा था, टूट गया फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा टूटे हैं हम। प्यारे भाइयों, वी आर बैक, वेलकम बैक बॉयज, अगेन वेलकम बैक। एक और नया दिन, ऑफ कोर्स एक और नया ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। हम वैसे भी बात करें अपनी लैंग की, तो पिछले दिन हमने कल रात को 9 बजे 140 लैंग किया था, उस आईडी में फाइनल आज मॉर्निंग को कौन कौन मिल गया इजीली और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले आप लीडर बोर्ड में नज़ारा देखिए, जो टॉप में हैकर बैठा हुआ था वो ऑफ कोर्स हैकर तो बैन हो गया है, इतनी भी कोई खुशी वाली बात नहीं है। कितने दिन का बैन हुआ भाई, मैं सर कमीशन में बता दो आप भाई, कितने दिन का बैन हुआ, 12 की कैरी थी। अरे भाई भाई 150 के ऊपर मैच खेला लॉन्डे ने, ये आपको इसमें कैसा लगा, मैं सर बढ़िया लगा होगा। जब कमीशन में हो जाए ब्लू जोन लीज बैक, वैसे भी तुम्हारे भाई ने बहुत दिनों बाद ब्रिज कैम किया था, क्या ही कर सकते हम। और वैसे भी हैकर आ रहे हैं, एक हैकर 150 मैच खेलने के बाद बैन हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो पूरा बीजीएमआई का बैन पेन नशे में है। आरआईपी बैन पेन जैसे अपना चैनल है आरआईपी वैसा ही समझ लो ना आप। तो मैं सर आज का वीडियो पूरा देखना, ब्रिज कैम का ही है, इसमें अच्छा खासा किर रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं, तो भाई आराम से ब्रिज कैम करेगा, उसके बाद लॉन्डे आएंगे आगे से, तो अभी अभी इसलिए इन्जॉय कीजिए मैं सर। देखते हैं सामने भाई कहाँ तरफ बचते जाएंगे अपने से, अपने से बचना लगभग इम्पॉसिबल टाइप रहता है ब्रिज पे सामने भाई। अरे अभी बाकी है यार, देखो ना यार काहे को बोल रहे, नहीं मरेगा, बोला था ना सामने वाला लौंडा फिनिश होगा ही होगा, और वो भी गया, तो यार अपने 2 किल हो गए थे, और लौंडे का वेट करेंगे और पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत बूस्टर वगैरह लगाएगा, और सामने से वेकर आ ही रही थी, तो मैं सोच स्प्रे इन्जॉय करना, और सामने से आ रही थी मिला दो, जो कि भाई साहब मिला दो देखता हूँ ना, हक देता हूँ पहले ही, लेकिन कोई ना, अभी आप थोड़ा इन्जॉय स्प्ले कीजिए, मतलब स्प्ले इन्जॉय कीजिए। सेलमोन भाई फाय, लेकिन भाई को मैंने इजीली पे लिया, पहले भाई का व्हीकल लगाएंगे कवर में, कवर मतलब समझ लो ना आप, अपने गैरेज में खड़ा कर लेंगे, अपना गैरेज है, किसी को चाहिए रहेगा व्हीकल को कॉल कर लेना, ऑयलेस पे भेज दे व्हीकल। उसके बाद सामने एक और व्हीकल आ रही है, एक नहीं दो आ रही है क्या, अगेन स्प्रे, अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही गड़ा सीन हो गया भाई, यहाँ पे आते हुए अपने देख लिया, तुम भाई को फ्लैंक वगैरह मार रहा था, लॉन्डे तो और भी कर आया, और भाई ने सामने भाई ने उस लॉन्डे को पेल ही दिया, तो यहाँ पे थोड़ा बूस्टर वगैरह लगाएंगे, इसके बाद देश जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो भाई का मैं बहुत ज़्यादा इंतजार करूँगा, भाई आगे आने का नाम नहीं दे रहे थे, और अपना वैसे भी यहाँ पे 4 किल हो गया था, तो अपने को कोई दिक्कत था नहीं अभी यहाँ पे रुकने का, कोई मतलब बन नहीं रहा था, तो थोड़ा देर वेट किया मैं, और यहाँ से निकल गए आप कॉस, क्योंकि फालतू में मैच खाए को बर्बाद कर लेने का, भाई तो थोड़ा भी आगे आने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वहाँ यहाँ से बग्गी उठाया और यहाँ पे आ गया पहाड़ी पे, और यहाँ पे आके मैं भाई का इंतज़ार कर रहा था कि भाई आएंगे तो पेलना जाएगा, लेकिन मैंने गलती किया भाई, यहाँ इतना दूर मुझे आना नहीं चाहिए था,
ब्रिज के पास ही रुकता ना मैं, तुम्हें सामने रख के इजीली मिल जाता, क्योंकि वो भाई अभी व्हीकल लेके आएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अपना घटिया स्प्रे है हमेशा की तरह, तो भाई यहाँ से बस से चले गए तो हम भी निकल जाएंगे जोन में, क्योंकि यहाँ पे जोन था नहीं। और तो भाई जा रहा था वहीं से, मैं भाई को खोज रहा था तभी मुझे भाई यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन ऊपर वाला भाई जो है ना जिनके पास स्नाइपर था, भाई ने इसको भाई को पेल दिया इजीली। तो पिछले भाई के पास UMP था, भाई अपने को स्प्रे ले रहे थे, तो मैं देख रहा था भाई कहाँ पे है, फिर मुझे कहाँ पता भाई का स्प्रे बढ़िया है, भाई ने हमको हिरसर मार लिया UMP से, एक तो है चिपकाई दिया। तो यहाँ पे आ गया मैं, थोड़ा हेल्थ वगैरह लगाएंगे उसके बाद किल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद ही पीछे से व्हीकल आ रही थी, उसके बाद तुम भाई ने स्प्रे लेके भाई को ईजी निपटा दिया। ये सारे वही भाई थे UMP वाले, तो यहाँ पे बाकी थे अभी 5 बंदे अलायु थे, और ऊपर एक भाई थे जो कि स्नाइपर से अपने को फायर लेंगे, आपको मालूम ही चल जाएगा। अभी मैं पीछे भी देख रहा था, ऊपर भी देख रहा था, और ऊपर अपने ऊपर भाई स्पॉट हो गए स्नाइपर वाले। सामने वाले भाई को पेलने की नाकाम कोशिश किया तुम्हारे भाई ने, उसके बाद भाई तुम्हारे कॉल में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भाई के पास स्नाइपर था और मेरे को उंगली करना नहीं था फालतू में। स्नाइपर का एक ही शॉट बैठेगा अपना, सीधा मैच एंड खत्म, बाय बाय। और वैसे भी थोड़ा देर वेट करने के बाद जो अपने पास था और सामने से बच गया एक, तो अभी अब इंजॉय कीजिए फाइट, लेट्स गो बॉयज। सामने भाई को तुम्हारे भाई ने बहुत ही अच्छा करके डैमेज दे दिया था, अब भाई को अपने इजीली पेलना था और कोई दिक्कत नहीं। ओ माय गॉड, यमके बोलते, लेकिन भाई के पास यमके था सामने वाले भाई को, तो भाई ने इजीली पेल लिया। फिर भी अभी अपने पास M4 की एमो थोड़ा कम था, क्योंकि मैंने ब्रिज के कैंप करते समय किसी का पेटिया वो ओपन किया ही नहीं, क्योंकि लिस्क क्या थोड़ा, तो भाई लिस्क लेता नहीं कभी कभी, और कभी कभी इतना लिस्क रहता है खुले में से भागने लगता है फालतू में। तो एक भाई थे स्नाइपर वाले जो कि अभी ऊपर ही थे बाजू बाजू में, सामने भाई को भी पेलेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते 3 बंदे अलाव हैं अभी अपने को पकड़ के, ये तो स्नाइपर वाले भाई हो गए जिनके पास आपको अपनी व्हीकल देख लिया अभी, तो हमें बूस्टर मारेंगे और जाके स्नाइपर भाई को पेलने की कोशिश करेंगे हम। और अपने को दोनों भाई के पोजीशन मालूम थे, तो वैसे भी अभी अभी अपना स्प्रे इन्जॉय कीजिए जो कि बढ़िया नहीं है, फिर भी इन्जॉय कर लो, क्या ही दिक्कत है। अभी सामने व्हीकल, भाई सबको हमने पीछे से धप्पा दे दिया। अभी यहाँ पे सिचुएशन था 1v1 fight जो कि अपने हाथों में था, जोन भी अपने पास ही है, और अभी अपना चिकन मतलब कंफर्ट में था, कोई दिक्कत नहीं था, नेक्स्ट था जोन भी अपने पास था, मैं भाई का इंतजार कर रहा था। तभी भाई खुले में से आ जाएंगे और अपने ऑफकोर्स स्पॉट हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा फास्ट में दिखा रहा था आपको। यहाँ भाई अपने सामने ही थे, तो मैं अपना नेर बर्बाद कर रहा था जो कि करना नहीं चाहिए था मुझे, तो भाई ने स्मोक किया और यहाँ जोन भी स्टार्ट होने वाला था, तो मेरे फुस्तक तो वहाँ से आ रहे थे, लेकिन क्या करें भाई बच जा रहे थे, लेकिन कोई ना, तो भाई के पास ऑलरेडी नेर था जो कि सामने सामने फुस्तक को आ रहा था, भाई भी स्मोक करके आ रहे थे पूरा। यहाँ पर नेर कल के करके मैंने इतना नेर किया, भाई आराम से इजीली जोन में आ गए, देखो मौली उठाया, भाई ने भी नेर किया अपने, भाई वहाँ पे चले गए। यहाँ पे मेरे पास मौली नेर नहीं लाता ना, तो भाई यहाँ पे जोन में आ ही नहीं पाते, लेकिन मौली फेंक फेंक के भाई को जोन में लाने दिया मैंने, भाई को ऊपर सीधा लस मार लिया। तो अभी इन्जॉय कीजिए फाइट आप। ओह माय गॉड, ड्रॉप शॉट विथ टॉमी, कुत्ता बना दिया भाई सामने भाई हमको, कुत्ता बना दिया। फिर भी अपने को डायमंड 1/30 का प्लस मिल गया था, वैसे भी ECID काउंकर हो चुका है अभी। अगेन मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वैसे भी आज थोड़ा जल्दी वीडियो अपलोड कर लूँगा मैं, कितना बज रहा है, वैसे भी लाइव स्ट्रीम पे आ जाना भाई लोगों को। अगेन बाय बाय।